जय जवान जय किसान संगठन के अध्यक्ष प्रशांत पवार ने महाजैन को पर निशाना साधा है। आरोप लगाया है। पवार का कहना है कि महाजैन को बाहर से रॉ कोयला मंगाती है, जिस कारण विदर्भ के सभी रॉ कोयला धारकों को काम नहीं मिल रहा। उनका कहना है महाजैन को सबसे बड़ा सेक्टर विदर्भ में है, फिर विदर्भ के लोगों को क्यों रोजगार नहीं मिल रहा है। पवार ने आगे बताया कि एमएसएमसी के मुख्यालय में प्री बिल्डिंग मीटिंग ली गई। इस मीटिंग में 11 पार्टी उपस्थित थे, पर टेंडर की शर्तें इतनी कड़ी थी कि सिर्फ 2 कंपनियों ने ही इस टेंडर में हिस्सा लिया। पवार ने सरकार को आह्वान दिया है कि जल्द से जल्द इस मामले पर रोक नहीं लगी तो आने वाले दिनों में इसे जुड़े और मामले उजागर किए जाएंगे। ऐसा है कि कोल वाशरी चा टेंडर काढल्या नंतर तुम्ही इम्पोर्टेड कोल सुद्धा घेऊन राहिले आणि विदर्भातल्या कोल वाशरी बंद आहेत। विदर्भातल्या लोकांना कोल वाशरी बंद करून बाहेरच्या लोकांच्या कोल वाशरी ते चालू करून राहिले। आमची अशी मागणी आहे की विदर्भातल्या कोल वाशरी चालू करायला पाहिजे, त्यांना रोजगार मिळाला पाहिजे आणि जर 10 लोकांना जर काम तुम्ही जास्त दिलं तर मला वाटतं की याची कॉस्टिंग सुद्धा कमी होण्याला मदत होईल आणि ते करण्याकरता लोक तयार आहेत। पण सरकारने का बरं हे जास्त रेटमध्ये दिलं याची इन्फॉर्मेशन आम्ही काढलेली आहे। 1-2 दिवसात आम्ही काढू। जर या तुमच्या माध्यमातून जर ताबडतोब याच्यावर काही झालं नाही तर मग आम्ही पुढच्या याच्यात सगळ्यांचे नावं ओपन करू, सगळे आकडे ओपन करू। वाढीव दराने नाही दिले आहे, ते टेंडर आलं ज्याच्यात क्वालिफिकेशन क्रायटेरिया जो ठेवला होता त्याच्यात जे लोक बसायचे त्यांनी तो टेंडर भरलेला। ते लाभार्थी मी 2-3 दिवसात सांगेल। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट, INBCN न्यूज, नागपूर।